आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल चिकन करी। वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। यहाँ ले रही हूँ 1 किलो चिकन पीसेस विथ बोन्स। इस रेसिपी को मैं मस्टर्ड ऑयल यानी कड़वा तेल में बनाना पसंद करती हूँ। 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल को एक पैन में मीडियम हीट पर अच्छे से गर्म करें। खड़े मसालों में 2 ग्रीन कार्डमम जिन्हें ऐसे क्रैक कर लें, 2 लौंग लें, 7 to 8 काली मिर्च, 1 इंच का सिनेमन यानी दालचीनी। मस्टर्ड ऑयल गर्म होने पे थोड़ा कम हो जाएगा और कलर भी लाइट हो जाएगा। इसमें डालें 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, ज़ीरा और सारे खड़े मसाले और इसे धीमी आंच पे क्रैकल करें। अब मैं शामिल करूंगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज यानी अनियन जो मैंने बारीक स्लाइस किए हुए हैं। कुकिंग टाइम को कम करने के लिए और अच्छे से कैरामलाइज करने के लिए प्याज में मैं 1 चुटकी नमक शामिल करना पसंद करती हूँ और बाद में चिकन का मैं सॉल्ट एडजस्ट कर लेती हूँ। प्याज अच्छे से गोल्डन हो गए हैं और अब इसमें मैं शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से भून लेना है। अब हम चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, उसमें मैंने सारे रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स और मेजरमेंट तफसील में बताई हैं। अब हम पैन को कवर कर देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि चिकन का कलर लाइट हो जाए। कवर हटा करके अब हम चिकन को भुनेंगे मीडियम हीट पे। चिकन को हम फ्राई करेंगे जब तक उस पर गोल्डन कलर आ जाए। अब हम तैयार करते हैं मसाले। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1-1 चम्मच लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और इसे पानी में मिक्स करके हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है और अब इसमें हम शामिल कर देंगे मसालों का पेस्ट। नेक्स्ट स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, मसाले के साथ चिकन को मीडियम हाई हीट पे फ्राई करें जब तक कि ऑयल साइड से छूटने ना लगे। अच्छे टेस्ट के लिए मसालों को अच्छे से भून लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मिलाएंगे 2 टेबलस्पून स्मूथ योगर्ट यानी दही और फ्लेम को हम मीडियम हाई हीट से लो हीट कर देंगे। प्याज भूनते वक्त मैंने नमक डाला था तो यहाँ मैं हसबे ज़रूरत 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ और साथ ही डालूँगी 2 हरी मिर्चें। मसाले अच्छे से भुन गए हैं चिकन के साथ और अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप पानी। पैन को कवर करके अब हम इसे सिमर करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। चिकन अच्छे से कुक हो गया है और ऑयल भी साइड्स पे आ गया है। खुशबू के लिए मैंने होममेड 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। हीट ऑफ कर दूंगी और इसमें मिलाऊंगी मैं 1 चम्मच केवड़ा वाटर। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये इजी रेसिपी बैचलर्स और स्टूडेंट्स के लिए है, मगर इस तरह से अगर आप पकाएंगे तो आप प्रो कहलाएंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।